नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी उन तमाम बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है, जिनका सरोकार हमसे है। हम आपको आज दिखाएंगे कि चुनावी बॉन्ड के हिसाब किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को क्यों फिर फटकारा। हम आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हिमाचल में जो अयोग्य विधायक थे उनको कैसे बड़ा झटका दे दिया। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बना रही है, इस पर भी नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये दिखाएंगे कि बर्फबारी ने एक बार फिर कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी है। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं बिग बॉस OTT के विनर एल्विश यादव की और उनके कर्म कांडों की। कहते हैं कई बार नेम और फेम ज़्यादा मिल जाए तो वो भी बर्बादी का सबब हो सकता है, क्योंकि शोहरत को संभाल पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। शोहरत का नशा अगर सर पर चढ़कर बोले तो इंसान कितने ही गलत काम करता है जिनके कारण उसको उनके अंजाम भोगने पड़ते हैं। बिग बॉस OTT के विनर एल्विश यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही विनर घोषित किया गया उसके बाद वो हाई प्रोफाइल हो गया और हाई प्रोफाइल रेप पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। एल्विश यादव पर आरोप है कि उसने सांपों और सांप से जो जुड़े जहर हैं उनकी सप्लाई में भूमिका निभाई है। NDPS एक्ट के तहत इसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। और खबर ये भी है सूत्रों के मुताबिक कि एल्विश यादव ने जो सांपों के जहर की सप्लाई की बात है वो भी कबूल कर ली है। बहरहाल, इस केस के बाद एल्विश यादव के जो फॉलोअर्स होते थे, जो उसको आइडल मानते थे, उनमें काफ़ी कमी आएगी और साथ ही साथ कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा। क्या है पूरा माजरा और क्या क्या घटनाक्रम रहा कल एल्विश यादव की गिरफ्तारी से लेकर रविवार को क्या हुआ, सोमवार को क्या हुआ और आगे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने लेकर एल्विश यादव की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सांपों के सौदागर, रेव पार्टी के शौकीन, कई विवादों से घिरे बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव पर शिकंजा कस गया है। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि एल्विश यादव ने पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई की बात कबूल कर ली है। एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में केस दर्ज किया है और इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी जी। वो साक्ष्य के क्रम में NDPS की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। एल्विश यादव के खिलाफ IPC की धारा 284, 289, 120B और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेजा गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद NDPS एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। अब आपको बताते हैं कि एल्विश यादव अगर दोषी साबित होते हैं तो क्या सजा हो सकती है। NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में 10 से 20 साल तक जेल और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। IPC की धारा 284, भारतीय दंड संहिता की धारा 284 के तहत 6 महीने तक जेल और 1,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। IPC की धारा 289, भारतीय दंड संहिता की धारा 289 पालतू जानवरों से संबंधित है, इसमें 6 महीने तक जेल और 1,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए मिलकर साजिश रचने के लिए लगाई जाती है,
इसमें उम्र कैद या 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंक्वे हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल थे। इनके पास से 20 मिलीलीटर सांप का जहर बरामद हुआ था। इसके साथ 9 सांप भी बरामद हुए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दो मुंहे सांप और 1 रेड स्नेक था। आरोपियों ने बताया था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता है। ये भी खुलासा हुआ था कि अल्वेश यादव की पार्टियों में सांपों के जहर से बने ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।